तो जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि ICDS विभाग में काफी सारी कमियां हैं। इसके तहत आप सभी को कई बार देखने को मिलता है कि आंगनवाड़ी केंद्र का जो भवन है वो काफी जर्जर हो चुका है। उसी में केंद्र चलता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, सारी एक्टिविटी करानी होती है। सेविका सहायिका और बच्चे काफी डर करके उसमें अपना पढ़ाई वगैरह कार्यक्रम करते हैं। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, परियोजना ऑफिस जिसको CDPO ऑफिस कहा जाता है, वहाँ भी स्थिति कुछ ऐसी है। एक परियोजना ऑफिस की खबर मुझे प्राप्त हुई है जहाँ की छत जर्जर अवस्था में है और CDPO कार्यालय परियोजना ऑफिस वहीं पर चलता है। इसके संबंध में जो खबर है हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार CDPO के द्वारा विभागीय अधिकारियों को ये निवेदन किया गया है कि इसकी मरम्मत कराई जाए या फिर नया बिल्डिंग बनाई जाए। तो सबसे पहले आप लोग ये फोटो देख लीजिए। यहाँ पर फोटो में छत का जो प्लास्टर है वो गिर चुका है। छत का जो छड़ होता है, ईंट होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर से कभी भी कुछ भी गिर सकता है, घटना हो सकती है। लेकिन ये किसी आंगनवाड़ी केंद्र का फोटो नहीं है, ये CDPO ऑफिस परियोजना ऑफिस का फोटो है। शीर्षक है कि आंगनवाड़ी कार्यालय की छत जर्जर है और हादसे को आमंत्रण दे रही है। गोविंदपुर प्रखंड की खबर है, लिखा गया गोविंदपुर प्रखंड परिसर स्थित CDPO कार्यालय का छत जर्जर अवस्था में रहने के कारण कभी भी अप्रिय घटना घटने की संभावना जताई जा रही है। जर्जर भवन में ही आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ बैठक भी की जाती है। कई बार बैठक के समय छत का टुकड़ा सेविकाओं पर गिरने से चोटिल हो गई, कई आंगनवाड़ी सेविका घायल हो गई। नए भवन को लेकर आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ साथ CDPO ने भी आवाज़ उठाई है। देख पा रहे हैं जब ऑफिस का ऐसा हाल है तो केंद्र का हाल किस प्रकार होगा, क्योंकि कई बार खबरें आती है कि केंद्र का भवन जो है वो काफ़ी जर्जर है, पुराना है, लेकिन उसकी मरम्मत के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वीडियो से लेकर DDC और जिला पदाधिकारी तक जर्जर भवन की शिकायत करते हुए नए भवन की मांग की गई है, लेकिन आज तक ना ही तो नया भवन निर्माण कराया गया और ना ही किसी भवन में स्थानांतरण किया गया है। जर्जर भवन में CDPO सीता कुजूर कोऑर्डिनेटर हेमा कुमारी के अलावा अन्य कर्मियों ने आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ बैठक करने के लिए मजबूर हो जाती है। हमेशा डरे सामने मेरा कर बैठा करके करती हैं। CDPO सीता कुजूर ने बताया कि हमारे पहले सुशील धान गोविंदपुर प्रखंड के CDPO पद पर रह चुकी हैं और उन्होंने भी बिल्डिंग के लिए आवाज़ उठाई थी। नई बिल्डिंग की मांग को लेकर DM तक शिकायत के साथ साथ मांग की गई लेकिन नहीं मिला, जिसके कारण जर्जर भवन में बैठक करने के लिए सभी लोग मजबूर है और इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सरकारी विभाग में कैसा होता है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि सरकारी ऑफिस है, लोग आते जाते रहते हैं, तो कभी कोई घटना हो जाए तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। उम्मीद करूँगा आपको समझ में चीज़ें आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।